शॉपिंग करने जब तक हम दोनों पूरा घर डेकोरेट कर रहे हैं। भाई अच्छे से एकदम कर देंगे डेकोरेट, मम्मी देख के एकदम हैप्पी होने वाले हैं ब्रो। अस्सलाम वालेकुम, मैं वही तो सोचूं आज दोनों के दोनों बार-बार फोन करते सर प्राइस का काम करके आना, तुमको कुछ लेना है तो फिर हाँ ये है वो है, कहाँ पहुंचे मम्मी, वही तो मैं सोचूं, पर मुझे 100% मालूम था कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सालों से जब से इनके डैडी गए हैं, जो इनके डैडी, तो उसके बाद जब बच्चे समझदार बने, जब उनको समझ में आया कि ये चीजें अच्छी है ये चीजें बुरी, तब से मेरे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट देते, और ये तो आप 5-6 साल से देख ही रहे हो कि हर बार मेरे बच्चे मेरा बर्थडे हो एनिवर्सरी हो हर चीज हो तो सब चीजें की खुशी जो है मेरे दोनों बच्चे देने की कोशिश करते, और उसमें तो हमारा केयर टेकर मिस्टर अमीन सतानी, स्पॉन्सर अमीन सतानी, बॉडीगार्ड अमीन सतानी, दिल का जिगर अमीन सतानी एंड अली सतानी। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ, जो मेरे आज दुख सुख के साथी है, तो वो ये बर्थडे एक्चुअली उनकी वजह से घर पे बनाया जा रहा, ये सब इनका प्लान था ना कि मम्मी का बर्थडे घर पे ही बनाएंगे, कहीं नहीं जाना, तो मैंने बोला चलो फिर खाने का तो ऑर्डर गया ही है, अली गया है बच्चों के लिए थोड़ा स्नैक्स लाने, अब मैं जा रही हूँ, मेरी बाजी, जैसे मैं उनको बहन को बाजी बोलती हूँ, उनको ना बाहर का खाना नहीं पसंद है, उनको घर में आप 10 आइटम बोलो बना देंगे, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए मस्त चिकन, अपने हाथ का, अपने स्टाइल का और अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाने जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अब्बा गोश्त कैसे काटती सो? अच्छा अच्छा, टुकड़े कैसे करती सो? अच्छा अच्छा, कब आ रहा बम्बई को तू? सब जनन की याद निकालती ना माँ, उसके वास्ते, हाँ उसके वास्ते चम्मी दिखती है, ये बना रही थी मैं चिकन मसाला अभी। अम्मी बोल रहे थे अयो अब्बा, मामी को तू तू बोली नहीं मामे को, दीदी का तो मैं अंबाड़ी भाजी देखी बोल को, हाँ मामी मामी बोल रहे कि ना उनसे मालूम होता नहीं जमा अंबाड़ी की भाजी क्या कर तो दीदी बोल रहे दीदी का देखी मैं वीडियो में अंबाड़ी की भाजी की रेसिपी है ना, अभी ये चिकन मसाला इतना अच्छा बना रही हूँ हसीना, तुझे मसाला तुझे फोन पे बताती हूँ, मसाला ऐसा बना घर में सबको अच्छा लगेगा, यूट्यूब में बहुत अच्छा लगेगा, ये रोटी में चावल में अभी जरा ग्रेवी करे तो हीट में भी क्या अच्छा लगता, क्या अभी आई तो मैं बनाती हूँ ले वहाँ, क्या बोला खुशबू आ रही, मैं बोली थी अच्छा बनाने, अच्छा इसमें ना कब होती है ये बच्चे लोग के लिए रख दो ना, तो बच्चे लोग आके सब छोड़ के इसको हाथ रखेंगे, ये आली लेकर आया और खाना भी आ गया, अरे बाप रे सब गिर रहे बाबा, तुम लोग ही रखो, सर मेरे को सिर्फ चाहिए था कोथमीर, और ये अमीन लेकर आया है, ऐसे तो है घर में लेकिन लास्ट बचे थे 2 पैकेट तो इसीलिए मंगा लिए, ये आ गई बिरयानी, जरा एक शक्ल देखो कैसी, हाँ है ना, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, और ये बनाई हूँ मैं सालन, थोड़ा सा रस्से वाला क्योंकि इसमें खाने वाले चावल की भाकरी, और अभी बना रही हूँ मैं थोड़ा सा सैलेड, ये सब सैलेड की तैयारी, और ये बिरयानी के साथ खाने का कचुम्बर।
अच्छा। अरे बुला, एक मेंबर कम लग रहा है इसमें। डेडो फोन कर। आ गया। पाँच मिनट बचा है अभी सर। लाओ केक भी बोल रही है निशा, बोल रही केक के हाँ लाओ तो अमित, इतना तो भाई ने कैंडल ही लगाया। अभी अभी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे, ये लो ये पकड़ो ऐसा। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, थैंक यू सो मच। भाई मेरा परिवार उधर है, ये कचरा उठाएगा। हो गया क्या? बर्थडे बर्थडे बताओ। ए प्रिंस, डैनी को दे वो, प्रिंस डैनी को डाल के दे वो, ये दे वो, उधर गया दे बाबू। अमित भाई नॉर्मल गिफ्ट है, बड़ा वाला मेरा छोटा। अगर मुझे कुछ गड़बड़ है उससे क्या? चलेगा चलेगा, चले लो सर। सर हाजिर है। ये मेरा फोन दूंगी मैं। जगह विचार नहीं, वो गिरेगा तो भी टूटेगा नहीं, मम्मी इतना हार्ड है। नहीं नहीं ऐसा उड़ने वाला कुछ नहीं है, नॉर्मल। आप खोलो, हाथ में पकड़ो। ले भाई मेरे जवाई भी आ गया। दुनिया का आखिरी पीछे आया है मिशन अभी लास्ट। तो हम क्या क्या करते हैं इसकी? तुम बीच में जाते हो, देख ले लेना। नहीं नहीं बीच में फिर से दूर से। अरे कुछ नहीं खुलने वाला है, ऐसा बुला रहा था। अरे खोलो क्या है? मैंने झाड़ पे तो चढ़ के तोड़वाया। हाँ बड़ी मेहनत की। पसंद है पसंद है ना तुम्हारी पसंद की? ये झाड़ पे से आया डायरेक्ट। क्या बोले? रेशमा का घर वाला मेरे को भी दो। मेरे को तो अभी तक लगा नहीं है, खोला भाई से भी नहीं लगने वाला, ये मेरे को पता है। अली लगा दे, अली इज्जत का सवाल है। अली भाई लगा के लॉक भी करते हैं। हाँ यार मेरे से तो लगा ही नहीं। हमेशा मैं डांटी इसको देती हूँ, गांठ मारने नहीं आता, हुक लगाने नहीं आता ना, गाली दे। थैंक यू, ये मेरे अमित का। ये गिफ्ट कैसे दिया मालूम? मैं ज्वेलरी ले रही थी तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ना, मेरे को यूँ देखा तो मेरे बड़े थोड़ा थोड़ा तो फिर अंकित बोला इंस्टॉलमेंट में, तो मैं बोला कि ठीक है ये ना इसका हिसाब मुझे भेजो, जैसा जैसा मेरे पास आएगा मैं आपको देती हूँ। ये इंस्टॉलमेंट में पहली चीज मेरे बेटे ने दिलाई है ना। ये हमने खुद खरीदा था, हम खुद पहनेंगे। सब लोग बोले अभी बजे 4, अब भी सब मेहमान गए। लास्ट बचे थे अंजुम, रियान, इरम बच्चे, तो वो लोग अभी निकले। अमीन गया छोड़ने के लिए, वैसे मतलब नीचे ओला बुक है तो नीचे तक छोड़ने गया है। और अभी सब उतना दो थैली भर के कचरा रखी हूँ बाहर, और खाना जो सुबह वो जैसे कि कचरे वाले है ये है तो उनके लिए सब खाना मस्त गरम करने के लिए रखी हूँ। गरम करके फिर दोपहर में कल उनका खाना यही रहेगा, क्योंकि मैंने मंगाई थी उससे डबल खाना आया है और इतना सारा खाना रह गया, तो अभी जहाँ भेजना था वहाँ तो भेजी हूँ और बच्चों के लिए भी रख दी हूँ, तो उन लोग दोपहर में खा लेंगे। और ये जो अमीन ने मुझे गिफ्ट दिया था तो मैं ये पहन ली हूँ हाथ में, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो मैंने खरीदी थी ये कड़ाई तब भी मैंने जस्ट उतारी हूँ। और माशाल्लाह साड़ी तो जो रियान लेकर आया था अंजुम, सब लोग ने तारीफ की कि बहुत अच्छी लग रही है। ब्लाउज भी वो लोग ने खुद सिला कर लेकर आए थे, और ये भी मैंने खरीदी थी आज ये वाली। और ये सारा डेकोरेशन जो है ये दोनों बच्चों ने अरेंज करवाया था, इतने सारे बुके,
चॉकलेट, उसके साथ में गिफ्ट सब रखिए। अभी तो बहुत ज्यादा थक गए, मुझे देख के भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अल्लाह मेरी किस्मत में इतना प्यार, इतनी इज्जत और दुनिया भर की जहान की जो खुशियां रहती है। मुझे लगता था कि नहीं यार ये कुछ चीजें, मेरा दिल दुखता तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा है, क्यों ऐसा लोग बोलते हैं तो कैसा लगता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने मेरी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा। मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी किस्मत लिखी है। और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ परवरदिगार मरने तक भी मुझे ऐसे ही रखे और सबके साथ, जिनके साथ में मेरे दिल के रिश्ते हैं, अल्लाह बस ऐसे रिश्ते बनाए रखे। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। ये बच्चे बोलते हैं इसको रहने दो ऐसे ही, तो इसको रहने देती हूँ और खाना रखी हूँ गर्म करने के लिए, तो वो जरा चेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम जाते हैं सोने। पीनू जब मैं जैसे जाऊंगी वैसे ही मेरे पीछे, चलो पीनू चलो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। वही सोच रही हूँ कि आज मेरा मेन बर्थडे, अभी तक मेरे को विश नहीं करे, और मैं ये था बाथरूम में और मेरे को लगा तू चले गया। अभी जाऊंगा। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नाश्ता नहीं क्या कर रही हो? बिरयानी खा रही हूँ। अरे रात को भाई क्या बोल रहा हूँ, ये जो खाता है ना उसको मालूम है कि सुबह सुबह मजा क्या रहेगा बिरयानी, बासी बिरयानी का तेरे रखी हूँ, और सब बच्चे लोग के लिए जो झाड़ू वाले ना सबके लिए गर्म करी हूँ। ब्लॉग भी करती हूँ एंड, क्योंकि दूसरे ब्लॉग में आपको दिखेगा कि हम सरप्राइज सरप्राइज, तो दूसरे सब चीजों की तैयारी करनी है मुझे। और आज एक तारीख है, आज से मेरा 51 साल शुरू होता है, और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितने दिन भी जियो इन दोनों की मोहब्बत में, इन दोनों की साये में जियो, और मेरे जीते जी अल्लाह पाक वो दिखा दे जो मैं इनको देखना चाहती हूँ। बस ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे गरीब नवाज से यही दरखास्त है, यही अर्ज है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ब्लॉग तो क्या है यार, ब्लॉग एक मेरी, ये अब तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये मेरी यादें हैं, ये मेरे जिंदगी की मेमोरीज है जो मेरे पास हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। और ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ये चीजों को आप पसंद करते हो, हम लोगों को प्यार करते हो, और आपकी दुआओं में हमेशा हमें शामिल करते हो। और जो हेटर्स है, एटलीस्ट आप मुझे देखते हो और कुछ ना कुछ भले लिखते हो लेकिन देखते तो हो, तो देखो और हमें हमेशा दुआओं में याद रखो। चलिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट ब्लॉग की बहुत सारी तैयारी जो मुझे करनी है। अल्लाह।